हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर नंबर 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर सेकंड यूनिट है उसके अंदर जो टॉपिक है कंस्ट्रक्टिंग टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन उसको डिस्कस करेंगे। हमें इसके अंदर जो टीओएस है दैट मींस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन ये किस तरह से डेवलप करना है, किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जब हम सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब क्लास के अंदर एक टीचर टेस्ट लेती है तो वो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन जो है वो कंसीडर करती है बच्चों के लिए, कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन जो है वो बच्चों को देने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बच्चों से लिखवाने हैं। दैट मीन्स कि टेस्ट के अंदर कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड होने चाहिए और उनको क्या वेटेज देनी है उन क्वेश्चन को। दैट मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होने चाहिए, मार्क्स कितने होने चाहिए और उनकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। उसके बाद वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि वेटेज टू डिफिकल्टी लेवल, डिफिकल्टी लेवल क्या होना चाहिए क्वेश्चंस का, कितना लेवल होना चाहिए, कितनी परसेंट तक उनका जो लेवल है वो होना चाहिए, डिफिकल्टी लेवल कितना होना चाहिए, इजी लेवल कितना होना चाहिए। उसके बाद जो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हमने उनकी कॉग्निटिव डोमेन पढ़ी थी उसके अंडर किस तरह के क्वेश्चन जो है वो कितने कितने मार्क्स के होने चाहिए, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस है उनको कितनी वेटेज मिलनी चाहिए, वेटेज कितनी मिलनी चाहिए। दैट मींस फर्स्ट है इसके अंदर पार्ट वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, कि जो फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस है उनको कितनी वेटेज मिलनी चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन जो है वो कितने 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 मार्क्स के होने चाहिए और कितनी उनको परसेंटेज मिलनी चाहिए। सबसे पहले ये देखिए, फर्स्ट हमने इसके अंदर क्या करना है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हमारे पास तीन टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव के अंदर हम एमसीक्यूज भी इंक्लूड कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, मैथ्स ऑफ फॉलोइंग भी इंक्लूड कर सकते हैं, और जो शॉर्ट आंसर है, सेकंड है शॉर्ट आंसर्स, और थर्ड है एसे टाइप, जिनको मतलब हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होने चाहिए, मान लो 14 क्वेश्चन डाले हैं और उनके मार्क्स जो है वो 7 है, मीन्स हाफ ऑफ मार्क्स का हम एक क्वेश्चन रख सकते हैं और उनकी परसेंटेज कितनी होगी, 28। सिमिलरली शॉर्ट आंसर से उनको 7 और उनके मार्क्स जो है वो 14 और उनकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी ऑल ओवर में 56। उसके बाद जो ऐसे टाइप है वो हम थोड़ा सा कम रखते हैं क्योंकि ऐसे टाइप जो है वो थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप हो जाता है, तो इससे क्या है कि हम ये जो लेंथी है थोड़ा सा लेंथी हो जाता है लिखने में, तो इस चीज़ को जो है हमने क्या करनी है, वेटेज थोड़ी सी कम देनी है। दैट मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने इंक्लूड करने चाहिए ऐसे टाइप में, लॉन्ग आंसर टाइप में, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया मैक्सिमम। तो इसके अंदर हमने 1 क्वेश्चन अरेंज कर दिया है, एक और मार्क्स इसके कितने हैं 4 और परसेंटेज कितनी होगी इसकी 16। इस तरह से हम इसका टोटल कर लेंगे, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन 22 एंड मार्क्स 25 एंड परसेंटेज कितनी होगी 100। देन कम टू वेटेज टू डिफिकल्टी लेवल। अब ये हमने क्या करा, टाइप ऑफ क्वेश्चन डाल दिए, तो उसके बाद ये देखना है कि क्लास के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं तो हमें उनके हिसाब से डिफिकल्टी लेवल, इजी लेवल जो है उनका लेवल देख के हमें क्या करना पड़ता है, जो वेटेज देनी पड़ती है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले है लेवल ऑफ क्वेश्चन, तो इसके अंदर तीन टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, ईजी, एवरेज, मतलब एवरेज का मीन्स होता है कि मीडियम होते हैं, जैसे कि ना तो बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। उसके बाद है डिफिकल्ट, थोड़े से बच्चों के हिसाब से कठिन जिनको कह सकते हैं। तो मार्क्स क्या हो गए इनके, इजी के 5, एवरेज जो है 15, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या होते हैं 50% बच्चे एवरेज होते हैं क्लास के अंदर, और डिफिकल्ट जो है वो थोड़ा सा जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनके लिए हो जाता है ये। तो इसी तरह से मार्क्स जो है इनके 5, इनके 15, इनके 5, देन टोटल 25, इसकी परसेंटेज हो गई 20, देन एवरेज की 60 एंड डिफिकल्ट जो है क्वेश्चन उनकी भी 20 हो गई, देन टोटल कितना हो गया उसके अंदर भी 100। पहले मतलब इस तरह से हमें अरेंज करना है नंबर ऑफ क्वेश्चन मीन्स फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड डिफिकल्टी लेवल, उनकी वेटेज देनी है। देन वी हैव टू डेवलप अ ब्लूप्रिंट अकॉर्डिंग टू एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मैंने आपको कराई थी, उसके अंदर जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके अंदर हमारे पास 6 तरह के पार्ट्स थे, 6 पार्ट्स थे। फर्स्ट था नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, 6 पार्ट्स थे हमारे पास। तो हमने क्या करना है, इन चार इन 6 पार्ट्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस है उनको डिवाइड करना है। देन टाइप ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन-कौन से हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर, ऐसे टाइप, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर, ऐसे टाइप, इसका मीनिंग ओ मींस ऑब्जेक्टिव, ऐसे मींस शॉर्ट आंसर, ई मींस ऐसे टाइप। इस तरह से इसके अंदर क्या है,
डिवाइड कर लेंगे। देन हम क्या करेंगे क्लास के अंदर, जैसे मान लो कि हमने साइंस सब्जेक्ट ले लिया, उसके अंदर हमने एक जो लेसन है उसके अंदर 2 टॉपिक पढ़ाए, हम उन टॉपिक्स का टेस्ट लेना चाहते हैं, देन क्या करो अरेंज करना पड़ेगा हमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो इन लेवल के इन पार्ट्स के अकॉर्डिंग हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, किस तरह से इनको लिखते हैं। तो फर्स्ट एक ऑब्जेक्टिव है, जैसे मान लो उसके अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन डाल दिए, जिसके अंदर ये जो नीचे दे रखे हैं जो ब्रैकेट्स में, ये है नंबर ऑफ क्वेश्चन, और जो ऊपर दे रखे हैं वो है मार्क्स ऑफ क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने क्या करना है, जैसे अंडरस्टैंडिंग में ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का और 2 क्वेश्चन हो गए, एप्लीकेशन में ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स के और शॉर्ट आंसर भी 2 मार्क्स के, बट एप्लीकेशन में जैसे कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन 4 हो गए और 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, इस तरह से क्वेश्चन को डिवाइड करके इन सभी के अंदर रख देंगे। उसके बाद क्या है, जैसे कि मान लो टॉपिक 1 है, इसका हम टोटल करेंगे, जैसे ये देखिए मार्क्स का टोटल 2, 1, 2, 2, 4, 2, 2, तो ये हो गया 15। सिमिलरली टॉपिक 2 में 1, 1, 2, 4, 2, ये हो गया टोटल 10। तो उसके बाद इन सभी का यहाँ पे भी टोटल करेंगे, देन इट विल बिकम 2 और 1, 3, यहाँ पे 0 मीन्स टॉपिक 1 के अंदर नॉलेज जो था, नॉलेज मीन्स सबसे पहले ज्ञान होता है बच्चे को, फिर वो समझ आती है उसकी, फिर वो अप्लाई करता है, फिर एनालिसिस करता है, फिर किसी चीज को बनाता है, सृजन करता है, सिंथेसिस करता है, फिर इस चीज को इवेल्युएट करता है। तो उसके बाद क्या है, इसी तरह से हम इनका टोटल नीचे भी करेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप के नॉलेज में 3 मार्क्स का बना है, फिर इसका 0 मार्क्स का, इसका भी 0 मार्क्स का। अंडरस्टैंडिंग में ऑब्जेक्टिव 1 और 1, 2 और शॉर्ट आंसर और जो ऐसे टाइप है उनके 0-0 है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सबके टोटल लिख के देन नीचे जो है वो ग्रैंड टोटल कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3, 2, 6, 8, 4, 2, 25। टोटल जो है इसका क्या बन जाएगा यहाँ पे भी 25, क्योंकि यही देखिए यहाँ पे जैसे ये देखिए ये 3 है, ये 2 है, टोटल इन दोनों का 6 है, इन दोनों का 8 है, इनका 4 है, इसका 2 है, तो इस तरह से टोटल क्या हो गया 25 हो गया। तो ये हो गया एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार करना कि अगर हमने बच्चों का टेस्ट लेना है तो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, इस टाइप के कितने कितने क्वेश्चन और कितने कितने मार्क्स के रखने हैं, ये सारी चीजें हम इस ब्लूप्रिंट के अंदर डिस्कस करते हैं। एंड दिस वाज द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।